मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल का मकसद आमजन को भ्रामक खबरों तथा अफवाहों के संबंध में वास्तविक जानकारी देना है। वहीं फैक्ट चेक पोर्टल को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो सरकार दिन भर झूठ बोलती है उसने फैक्ट चेक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आमजनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेगा। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों और जन कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में भ्रामक खबर चलने से शासन की छवि धूमिल होती है। ऐसी खबरों के संबंध में तत्काल सही वस्तु स्थिति आमजन के सामने लाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जनसंपर्क विभाग फैक्ट चेक पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा। मंत्रालय में आयोजित पोर्टल शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव जनसंपर्क शिव शेखर शुक्ला, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े, संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं फैक्ट चेक पोर्टल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर ट्वीट वार करते हुए लिखा कि जो सरकार दिन भर झूठ बोलती है, मौतों के आंकड़े छिपाती है, हवा हवाई घोषणाएं करती है, उसने फैक्ट चेक के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिवराज जी, फैक्ट तो जनता को मालूम है, आप अपनी सरकार का भविष्य चेक करिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।